हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं साधारण से काले चने, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार। थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे और ये चने असाधारण टेस्टी बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने का तरीका तो आसान है ही, मगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर इसके साथ अपनाया जाए तो ये बिल्कुल बनकर मक्खन मलाई जैसा मजेदार बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इसे बहुत लंबे वक्त तक भिगो के रखना चाहिए। यूं तो इसे अगर आप गर्म पानी में भिगो दें तो ये 4 से 5 घंटे में भी रेडी हो जाएगा पकने के लिए, मगर मैंने इसे 16 घंटा पहले कल इसे भिगो के रखा था। इससे दाने की ग्रिप जो है स्किन पर लूज हो जाती है और ये बिना सोडे के ही बहुत ही सॉफ्ट बनता है। सोडा डालकर भी इसे गलाया जा सकता है, मगर अगर आप इसे बगैर सोडे के गलाएंगे तो ये बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, जो कि सोडा डालने पर उतना अच्छा नहीं बनता है। अब इसे अच्छी तरह से धो लेना है और पानी छान लेना है। अब यहाँ पर एक प्याला भरकर हमारा चना है, और चना को जब मैंने सोक किया था तब उसमें 1 टीस्पून हमने मीठा सोडा डाला था। इससे चना धुलकर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और पकने के बाद बहुत नरम भी बनता है। तो यहाँ पर 1 प्याला चना है और इस प्याले से ही नापकर 2 प्याला पानी हमें चना पकने में इस्तेमाल करना है। अब एक कुकर को गरम कर लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दें। मैंने घर में इस्तेमाल होने वाले इस सर्विंग स्पून को इस्तेमाल किया है। अब एक कटी हुई प्याज और 1 हरी मिर्च को इसमें डाल दें और लाइट ब्राउन हो जाने तक इसे पका लें। अब जब तक प्याज लाल हो रहा है, हम कुछ मसालों को निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ बस 4 बेसिक मसाले डाले जाएंगे और स्वाद के अनुसार नमक। तो धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक। और क्वांटिटी देखें तो स्वाद के अनुसार नमक है, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला है। बस इतना ही मसाला इसमें ज़रूरी है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और ये ज़रूरी है चना में थोड़ा सा कलर और टेस्ट लाने के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं चना, थोड़ा सा चला लेना है। बस 1 मिनट इसे पका लेना है। 1 मिनट तक चना हमने पका लिया है। अब जो हमने मसाला निकाला था वो मसाला इसमें डाल लेना है। इसे भी चने के साथ थोड़ा सा हिला लेना है। बस 1/2 मिनट ही। और अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है पानी। मैंने 2 प्याले से थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया है। मुझे चना को बिना सोडे के ही गलाना है। अगर आप सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 प्याला पानी ही काफी होगा। अब चना में उबाल आ चुका है तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें के हरी मिर्च भी मिलाया गया है। साथ ही 1 मीडियम साइज टमाटर को चॉप करके डाल देना है। यहीं पर आप इसमें 1 तेज पात या 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का डाल सकते हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे धनिया की पत्ती का मोटा वाला स्टेम बारीक काट कर। इसमें मैक्सिमम खुशबू और सेहत होती है, तो इसे ज़ाया नहीं जाने देना है। जितनी देर में चना गलेगा उतनी ही देर में ये भी गलकर बिल्कुल मसाला बन जाएगा और आपके चना मसाला में बहुत सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करने वाले हैं। फ्लेम को कर देना है तेज़ और ढक्कन को कर देना है बंद। बंद होने के बाद पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को हम फिर से धीमा कर देंगे और वहां से काउंट डाउन शुरू होगा। 1/2 घंटे के लिए इसे धीमी आंच पर गलने देना है। तो फिर मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद।
बिल्कुल आधे घंटे के बाद मैंने इसे खोला है और आप देख सकते हैं कि चना हमारा बिल्कुल हमारी पसंद के हिसाब से पक चुका है। और इसमें 2-3 टेबलस्पून तरी अभी बची हुई है और इतना हर हाल में बचे रहना चाहिए। अब इसे हम छूकर देखते हैं, आप देख सकते हैं चना कितना बेहतरीन गला है। और इसी तरह के गले हुए दाने में मैक्सिमम टेस्ट होता है। और मैं इस चने को ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, ना मसाले के साथ ना मसाले के बाद। भूनने से इसका स्किन और दाने टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मुंह में वो थोड़ा कड़ा लगेगा, इतना मैक्सिमम मॉइस्ट और मज़ेदार नहीं लगेगा। तो अब इसे चूल्हे से हटा लेना है और आगे की प्रोसेस हमें करनी है। तो अब इस चने पर हमें कुछ मसालों को डालना है ताकि इसका टेस्ट इन्हांस हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चुटकी अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हमारा ये चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी हमने लिया है ये चिल्ली फ्लेक्स। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है और अब इसे अपने इस ज़बरदस्त घुगनी के ऊपर डाल देना है। ये काला मसाला, काले चने में आपका ये मसाला बहुत ही टेस्ट बढ़ा देगा। और साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर कटे हुए प्याज के लच्छे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और साथ में डालना है नींबू का रस। तो नींबू की वजह से इसमें चटखार बढ़ जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। और आप इसे सर्विंग टेबल पर जाकर इसे रख दें, देखिए खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपसे बार बार इस रेसिपी का तरीका पूछेंगे। और मैं एक कोने को इसे मिलाकर दिखा देती हूँ। ये सर्व करने से पहले आपको इस तरह से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं ये चना कितना लजीज, कितना मज़ेदार बन चुका है। तो इसी तरह से बनाएं, खाएं और खिलाएं। और उम्मीद है कि सबों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ख़ासतौर से तहमीना नौमान ने इसे इंजॉय किया होगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, इस रेसिपी को लोगों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप अपने राय हमें लिखकर ज़रूर भेजें, आपको चना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।